दोस्तों गुड आफ्टरनून। तो कैसे गाइज आप सभी, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और निशु भी रेडी हो गया है। देखो मच्छर का अच्छा टीका लगा हुआ है, टीके का निशान है। और अपने हेयर वॉश कर लिए मैंने, अभी थोड़े से बाल गीले हैं। और चुटिया बना लिए मैंने और इस तरीके से डिज़ाइन बनाई है। तो चलो मैं जा रही हूँ। और अभी हो रहा है हमारे लंच का टाइम और आज फटाफट वीडियो शेयर करना है मुझे, क्योंकि कल मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाई हूँ, कोई वीडियो को मैं कंटिन्यू कर ही नहीं पाई हूँ। और 9 दिन नवरात्र स्टार्ट हो गया है और माँ दुर्गा का दिन है, तो सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा ट्रेडिशनल रहा जाए, खासकर ये इन 9 दिनों। तो मैं रेडी शेडी हो गई हूँ और इसलिए थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक मैंने जो है वेयर किया है। तो बहुत दिनों के बाद मैंने अपनी ये वाला सूट निकाला है जो कि बहुत प्रिटी लगता है। बाजू थोड़ा सा हल्का हल्का, मतलब टाइट नहीं है, बट ये देखिए अभी भी मतलब काफ़ी स्पेस है। लेकिन थोड़ा सा ना मुझे लूज पहनना पसंद है। इतना टाइट में जीप है, यहाँ पे जीप है और लोअर पजामी टाइप की नहीं होती है, बिल्कुल उस तरीके से मैंने इसकी डिज़ाइनिंग करवाई है। ये सूट आज से कई साल पहले मैंने जो है बनवाया था, जब हम कितनी मोहब्बत है ऐसे कोई सीरियल आया था, उसमें सेम कलर सेम पैटर्न के जो है वो जो एक्टर थी वो पहन रही थी, तो मुझे बड़ा पसंद आया था। तो सेम मैं जाके कुर्ती सूट का कपड़ा लेकर आई थी। आप देख सकते हैं पूरा मिरर वर्क है, यहाँ पे एक लेस दे रखा है और काफ़ी प्रिटी लगता है और इनके साथ ना बहुत अच्छी लगती है। और ये पैंट ना थोड़ा सा मतलब यहाँ तक का है, यहाँ तक का पैंट है ये, तो काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से जिप लगवा रखी है, या पीछे रबड़ है और फ्रंट से पूरा बेल्ट वाला है, बहुत अच्छा लगता है, पैंट के स्टाइल में है। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये मेरी आप लोगों को सूट कैसा लगा। और पीछे मैंने जिप लगवाया है, काफ़ी डीप गला भी है, तो पीछे मैंने जिप और डोरी लगवाई है। और आज इसके साथ मैंने वेयर किया है ये वाला बैंगल्स, चुंदरी प्रिंट वाला, जो कि बहुत प्रिटी लग रहा है। और ये छोटे छोटे से सेम मैच के मैंने इयररिंग्स डाले हैं जो कि हार्ट शेप के हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ज़्यादा हैवी नहीं पहना है मैंने। तो एज अ मैरिड तो इतना तो चलता है, माँ दुर्गा का दिन है और आप सभी को नवरात्रि मुबारक हो। देखो कितना अच्छा लगता है घर में, एक अच्छी सी वाइब्स आ रही है। तो अभी देखो ये मेरे सूट का लुक कितना बढ़िया आ रहा है ना, गॉर्जियस सा। तो चलिए मैं फटाफट लंच कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मिलती हूँ, क्योंकि आज बहुत कुछ शेयर करना आप लोगों के साथ। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। आपको एक कड़े का लुक दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरीके से डिज़ाइन किया है। जैसा कि मेरे साड़ी में फिरोजी कलर है, पिंक कलर है एंड साथ में ग्रीन कलर है, और उसमें मैंने सिल्वर का वर्क दिया है, तो उसी हिसाब से मैंने इस बैंगल्स को क्रिएट किया है। यहाँ पे मैंने एक मल्टी कलर का जो है बड़ा सा सर्कल वाला स्टोन लगाया है, उसके किनारे किनारे मैंने सिल्वर स्टोन लगाया है, फिर यहाँ पे इस तरीके से पिंक बॉल चेन यूज़ किया है, और उसके बाद जो जो कलर मैंने साड़ी में है और जो जो स्टोन मैंने साड़ी में यूज़ किया वही सारे स्टोन मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है इस तरीके से। और यहाँ पे सारे सिल्वर स्टोन से भर दिया है क्योंकि मेरे साड़ी में जो है सिल्वर का वर्क है, और कलर कंट्रास्ट थोड़ा सा मैं मिला के बना रही हूँ। तो ये दो पैटर्न आमने सामने इस तरीके से मैंने बनाया है, बाकी मैं इस तरीके से स्टोन फिल कर दिया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे सेम स्टोन यूज़ किया है जो कि मैंने साड़ी में यूज़ किया है, सिर्फ मैंने सिल्वर प्लेट यूज़ नहीं किया है और जो मैंने उसमें यूज़ किया था। और उसके बाद जो है मैंने ये वाले सितारे यूज़ किए हैं, ये वाले सितारे यूज़ किए हैं, और उसके बाद पत्तियों, ये वाला पत्ती वाला शेप जो यूज़ किया है वो ग्रीन कलर का है, और
बॉल चेन मैंने पिंक कलर का यूज़ किया है, इसे मैंने अमेजोन से मंगाया है कई सारे पैकेट्स, तो ये मुझे कॉम्बो में मिला है, काफ़ी सारे कलर मिले हैं इसके, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये मुझे 12 या 13 कलर मिले हैं, और किस तरीके से रिसीव हुआ है वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से पैकेट में मुझे रिसीव हुआ था, ये बहुत सारे कलर के हैं सारे, तो किसी में थोड़ा किसी में कम है। अब ये देख सकते हैं सिल्वर बहुत ज़्यादा है और रेड देख सकते हैं बहुत कम है। तो ये पिंक इस तरीके से छोटे छोटे पैकेट में इस तरीके से पैक करके तो कई सारे कलर भेजे हैं, और ये मुझके से मेरे ख्याल से 5-7 मीटर होगा ये पिंक वाला भी, तो इससे मेरे ये 4 बैंगल्स जो है ना बन के रेडी हो जाएंगे, और बनने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा है। और जब इसका पूरा सेट रेडी होगा, और यहाँ पे मैं बता दूँ ये मैंने जो है वाइट पर्ल मोती यूज़ किया है, और जो हाफ वाला होता है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा होता है। तो ये है हाफ पर्ल मोती इस तरीके से, ये देखिए छोटे साइज वाला यूज़ किया है, तो ये हाफ पर्ल मोती है इस तरीके से। और बीच के लिए मैंने ये वाला सीक्वेंस यूज़ किया है इस तरीके से, जो है पीछे से फ्लैट है, और ये इस तरीके से इसमें 2 होल बना हुआ है कि ताकि आप इसको कपड़े पे टांग भी सकते हैं अगर चिपकाना नहीं चाहते हैं। अगर आप कपड़े पे इस्तेमाल करते हैं तो इसमें रैम्बो कलर का कुछ शेड आ रहा है, देख पा रहे होंगे, तो काफ़ी अच्छा होता है ये। तो अब मैं एक बार आपको साड़ी भी दिखा देती हूँ कि साड़ी का जो मेरे सॉरी एक मिनट, तो मैं यहाँ पे दिखा पा रही हूँ आपको कि मेरे साड़ी में जो है थोड़ा सा रेडिश कलर है, पिंक कलर है, और यहाँ पे मैंने ये सेम वाला सीक्वेंस यूज़ किया है इन पत्तियों पे, तो इसके लिए मैंने बैंगल्स पे भी यूज़ किया है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा कलर कंट्रास्ट दिखाती हूँ कि देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से मेरा बैंगल्स जो है ना मैच कर रहा है, और जब ये पूरा एक सेट रेडी होगा तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो चलिए फटाफट मैं इस बैंगल को आपको एक जो है मैं रेडी करके दिखा देती हूँ। ऐसे ही आपको चारों रेडी करना है, आपको देखना है कि आपके साड़ी का कलर का कंट्रास्ट क्या है, कैसा आप बनाना चाहते हैं इस तरीके से। तो आई होप कि आपको देख पा रहे होंगे, तो मैंने इसको थोड़ा सा भरा भरा दिया है क्योंकि फेस्टिवल पे पहनना है, तो थोड़ा सा कुछ अच्छा सा कड़ा बनाना चाहती थी मैं। तो जब इसका पूरा सेट बनाऊंगी ना, जो पतली चूड़ियाँ होंगी वो पिंक कलर की होंगी, पिंक और रेड कलर की होगी, और साथ में मैं ग्रीन कलर का कॉम्बो भी दूंगी अपने पूरे सेट में, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फटाफट मैं इसको बना के दिखाती हूँ आपको, फटाफट से कड़ा जो है रेडी करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये वाला स्टोन ले लिया है, और इसको जो है बीचों बीच आपको लगाना है इस तरीके से। कलर कंट्रास्ट आपको मैच करना है कि आपको किस तरीके से बनाना है, और इसको हमें इस तरीके से यहाँ पे चिपका देना है। और ग्लू का इस्तेमाल जो है फैब्रिक ग्लू का ही करिए, क्योंकि फैब्रिक ग्लू जो है इन सब चीज़ों के लिए बहुत बेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको चिपका दिया है। अब हमें क्या करना है, फटाफट इसके जो है किनारी पे लगा देना है ग्लू। तो इस तरीके से लगा दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बॉल चेन लेना है और इसकी किनारी पे लगा देना है इस तरीके से। तो इस तरीके से इसकी किनारी को आपको राउंड कर देना है, उसके बाद कैची से इसको काट लेना है। इस तरीके से आपको इसको रेडी करना है, ठीक है, और इसके बाद इसको सेट कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे एक राउंड बन के रेडी होता है, और अब हम देखेंगे तो हमने इसके किनारे जो है सिल्वर स्टोन लगाया है छोटे वाले, तो इसको एक दो बार ना हाथों से थोड़ा सा प्रेस करना होता है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और ये जान लीजिए कि एक बार अगर ये चिपक गया तो फिर जल्दी निकलेगा नहीं, चाहे आप कितना भी इसको उखाड़िए, बहुत अच्छा ग्लू होता है। तो यहाँ पे मेरा एक इस तरीके से डिजाइन बन के रेडी हो गया। तो चलिए अब इसकी किनारे पे हम सिल्वर स्टोन लगा लेते हैं। तो अब हम फटाफट सिल्वर स्टोन लगा लेंगे, पहले हाफ सर्कल से लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमें ग्लू लगा लेना है, ठीक है, और उसके बाद हमें सिल्वर स्टोन लगा लेना है इस तरीके से, और पूरा सर्कल घुमा देना है इसको।
इस तरीके से पूरा राउंड, आपको पूरा राउंड लेके जाना है इसको इस तरीके से। डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, आपको बस ये देखना है कि आपका कलर कंट्रास्ट कैसा है। तो चलिए हम इसको पहले पूरा बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है सिल्वर स्टोन लगा लिया है, और फटाफट दोनों तरफ, जैसा कि इसमें फिर मैंने अगेन बॉल चेन यूज़ किया है, 2 बार बॉल चेन यूज़ किया है, 1 बार सर्कल में, 2 बार हाफ हाफ। तो अब इसको फटाफट हाफ हाफ जो है कर लेना है। तो यहाँ पे हम ग्लू लगाएंगे, और साड़ी का जो है मुझे एक टुकड़ा काट के निकालना है, क्योंकि जो मैंने लटकन सोचा है, एक थीम सोचा है, तो मुझे उस थीम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नेट चाहिए ब्लाउज के लिए, क्योंकि मैंने इस बार ब्लाउज का जो कंट्रास्ट है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट रखा है, ताकि क्योंकि सेम सेम इस समय चल नहीं रहा है और आउट ऑफ फैशन हो चुका है सेम साड़ी सेम ब्लाउज। और हमारे साड़ियों के साथ जो ब्लाउज के कपड़े आते हैं ना, वो बिल्कुल रफ कपड़े होते हैं। आप मतलब उस कपड़े का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, वो ब्लाउज के बहुत कम, जो हैवी साड़ियाँ होती है उसके ही ब्लाउज अच्छे होते हैं। इसके साथ, इस साड़ी के साथ ब्लाउज का कपड़ा मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही बेकार कपड़ा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अगर मैं उसमें अस्तर लगवा के ब्लाउज भी बनवाती हूँ तो भी बहुत चुभने वाला कपड़ा है, और काफ़ी अलग टाइप के कपड़े देते हैं जो हमारे साड़ियों के ब्लाउज के कपड़े आते हैं ना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। फिर हम सोचते हैं कि हम अलग से कपड़ा लेके सिलवाएं, या फिर क्या करें क्या नहीं करें, हम रेडीमेड ब्लाउज ले लेते हैं, लेकिन कुछ हमें समझ में नहीं आता। तो इस बार ना मैंने थोड़ा सा कुछ डिफरेंट किया है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने 2 हाफ हाफ सर्कल यहाँ पे कर लिया है, और अब उसके बाद क्या करना है हमें, ये जो है ग्रीन स्टोन लगा लेना है। तो चलिए फटाफट उसको भी हम लगा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे हम फटाफट आपको एक ग्रीन स्टोन भी लगा के दिखा देते हैं। मैं आपको एक साइड ही कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे लंबे लंबे में थोड़ा सा ग्लू लगाना है, क्योंकि इसकी पत्तियों की डिजाइनिंग है, तो हमें इस तरीके से लगानी है इसको। इस तरीके से लगानी है। आप डिज़ाइन और भी अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सेम पैटर्न बनाइए, और कलर कंट्रास्ट आपको जैसा रखना है, जैसा बनाना है आप वैसा बनाइए। और मैं अपने साड़ी के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस बार दिवाली पे डिफरेंट करना चाहती हूँ, और कुछ अलग ब्लाउज होना चाहिए मेरा इस बार, कुछ अलग लटकन, तो वो सारी चीज़ों का ना मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया मिल सके, आप लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन लगा लिया है, और सेम मैं इस तरफ लगा के आपसे फिर मिलती हूँ। तो ग्रीन पत्तियाँ मेरी लग गई है, मैं फटाफट एक बॉल चेन यहाँ पे और क्रिएट कर लेती हूँ इस तरीके से, सेम इधर भी। तो इस तरीके से हमें बॉल चेन को लगा लेना है इस तरीके से, ठीक है। और अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें ये पर्ल वाली जो है हाफ पर्ल लगानी है, फिर उसके बाद स्टोन, फिर ये। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो मेरे जो है दोनों तरफ हाफ पर्ल मोती लग गई है यहाँ पे, और उसके बाद अब एक लाइन जो है सिल्वर की देनी है यहाँ पे, सिल्वर लाइन, उसके बाद ये रेपो वाला, फिर इसके बाद ये फिल कर देना है जितना बचेगा आपका ये हिस्सा, उसके बाद इस तरीके से स्टोन से पूरा फिल कर देना है। तो मैं जो है इसको डबल का पेयर बना रही हूँ, मतलब 4 का सेट है, मतलब 2 का सेट है। तो इस वाले को जो मैं बना रही हूँ ना, तो मैं किनारी किनारी के लिए बना रही हूँ, इसके बीच में बहुत सारे सेट मैं इंक्लूड करूंगी, तो वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मैंने यहाँ पे लगा लिया पर्ल, और अब अगेन सिल्वर लगा के मिलती हूँ। तो अब हमें क्या करना है, मैंने जब यहाँ पे पर्ल लगाया था उसके बाद सिल्वर लगा लिया है, अब यहाँ पे ये रेम्बो कलर वाला स्टोन लगा लेना है, उसके बाद सेम दूसरे साइड में भी बना के, और जितना हिस्सा बचेगा फिल कर देना है।
तो चलिए पहले मैं आपको रैम्बो वाला लगा के दिखा देती हूँ। जैसा मैंने ग्रीन लगाया है बिल्कुल वैसे ही इसमें चार का सेट लगा हुआ है, सॉरी चार पीस लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं फटाफट चार लाइन के लिए ग्लू लगा लूँगी और उसके बाद ये वाला रैम्बो वाला लूँगी और यहाँ पे इस तरीके से चिपकाते जाऊँगी। ऐसे हाथ में मेरे ग्लू बहुत ज़्यादा लग गया है तो ये चिपक के साथ में आ जा रहा है, ठीक है। और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए, ठीक है, लाइक दिस चार का हमें लगाना है तो उसमें हमें चार ही एडजस्ट करने हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो हो गया, अब चलिए दूसरे साइड करते हैं। सो गाइज, मेरा यहाँ पे एक साइड बन के कम्प्लीट हो गया है जहाँ तक मैंने आपको बताया था। अब एक तरफ हमारा बन गया है सेम टू सेम और अब ऐसे ही सेम हमें देख के दूसरे साइड भी क्रिएट करना है। उसके बाद जो हिस्सा बचेगा यहाँ पे ये सिल्वर वाला फील कर देना है। तो इसको चलिए मैं कंप्लीट करके फिर मिलती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे दूसरा वाला सेट बन के भी रेडी हो गया है। तो ऐसे ही आपको चारों कंप्लीट कर लेना है। मैं चारों बना के नहीं दिखा रही हूँ। और अब आपको क्या करना है, चाहे तो आप इसे सिर्फ दो बना सकते हैं सिर्फ बीच के लिए, और किनारे कोई और कड़ा ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं, बीच में पतली चूड़ियां इंक्लूड कर सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगेगा इस तरीके से। तो आप कैसा कंट्रास्ट बनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे कि मैंने इसको डिजाइनिंग वाला बनाया है और बीच में मैं प्लेन अगर इंक्लूड करके आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। तो मैंने डिसाइड किया है कि इसके बीच में जो है पिंक एंड ग्रीन का कुछ कॉम्बिनेशन बनाऊंगी तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। तो ये यहाँ पे मेरा बैंगल्स बन के रेडी होता है। अब मैंने क्या डिसाइड किया है कि मैंने यहाँ पे दो बॉल्स बना लिए हैं इस तरीके से, और इसको भी सेम मैंने सिल्वर जो है डेकोर करना है सिल्वर कलर में। और यहाँ पे मैं दो लटकन देने वाली हूँ इस ग्रीन बॉल से, और आप चाहे तो झुमके का भी लटकन दे सकते हैं, बहुत ट्रेंडी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज, आई होप कि मेरा आज का आप लोगों को क्रिएशन और DIY वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि दिवाली आ रही है, करवा चौथ आ रहा है। आई होप कि आपके लिए एक हेल्प करेगी मेरी वीडियो। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसको बस लटकन के साथ क्रिएट कर देने वाली हूँ। तो ये रहा मेरे दो प्लेटें, तो इसको काफ़ी अच्छे से मैं इस तरीके से प्लेट लगा के डेकोर करूँगी ऐसे, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। और जब ये लटकेगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा, क्योंकि मुझे थोड़े से छोटे छोटे बॉल्स चाहिए थे और मैं जो बीच वाला बनाऊंगी उसके लिए थोड़ी बड़ी झुमकी का इस्तेमाल करूंगी ताकि ये देखने में बहुत खूबसूरत लगे। और जब पूरा सेट रेडी हो जाएगा ना, तब आप गाइस देखना, आपको सच में बहुत पसंद आएगा मेरी चूड़ियों का सेट, और साथ में मैं ये वाले बॉल्स यूज करने वाली हूँ। तो चलिए फटाक से एक छोटा सा झलक भी दिखाई देती हूँ आपको कि ये लटकन के साथ कैसा दिखता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तो यहाँ पे मैंने अपना लटकन क्रिएट कर लिया है, ऐसे ही हमें चारों में बना लेना है। अगर आप सिर्फ बीच के लिए बना रहे हैं तो अब आप देख सकते हैं मेरे जो है पूरे चूड़ी का कलर कंट्रास्ट पूरे साड़ी से मैच करता हुआ बन गया, क्योंकि इसमें ग्रीन जो है इंक्लूड किया है। और जो मैं ब्लाउज में लटकन लगाऊंगी वो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मुझे जो अपने साड़ी का नेट है ना वो काटना पड़ेगा, एक एक इंच काट के निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसका ही मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर नहीं कट के निकलता है तो फिर मुझे अलग से सेम कलर का खरीद के लाना पड़ेगा। तो गाइस, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, और उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर ऑफ सेल्फ, बाय।